हेलो यूट्यूब, दिस इज lifenextdoor.com। चक्कर आना तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। है तो ये एक सामान्य रोग ही, पर उतना ही घातक भी है। जब दिमाग में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता या फिर ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने पर चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के कारण: शरीर में खून की कमी होना यानी अनीमिया, कानों में संक्रमण होना, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, इंटरनल हीट, अकाउस्टिक न्यूरोमा, माइग्रेन, डायबिटीज या फिर डिहाइड्रेशन। चक्कर आने के तीन प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव: जब किसी को ऑब्जेक्टिव टाइप के चक्कर फील होते हैं तो उसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है जैसे दुनिया की सारी चीजें घूम रही हैं। सब्जेक्टिव: जब किसी को सब्जेक्टिव टाइप के चक्कर महसूस होते हैं तब उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो खुद ही घूम रहा है। स्यूडो वर्टिगो: इसमें व्यक्ति को सर के अंदर घूमने का आभास होता है। चक्कर आने के घरेलू उपाय: तुलसी। तुलसी प्रकृति का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है और कई बीमारियों से हमें दूर और हेल्दी भी रखती है। तुलसी के रस में चीनी या शहद मिलाकर इसे लेने से चक्कर की प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाती है। नारियल पानी: नारियल पानी जो सभी को बहुत पसंद होता है और हमारे शरीर के लिए भी काफी लाभदायक है। रोजाना नारियल पानी पीने से चक्कर की समस्याओं से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। ठंडा पानी: वैसे तो हम गर्मियों में खूब सारा ठंडा पानी पीते हैं, पर अगर आपको लगे कि अचानक आपको चक्कर आने लगे हैं तो 3 ग्लास ठंडा पानी पीने से आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। और वैसे भी रोजाना हमें पर्याप्त मात्रा में पानी तो अच्छे से ही पीना चाहिए। काली मिर्च: वैसे हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, किसी को काली मिर्च पसंद होती है, किसी को नहीं, पर जब आपको चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा हो तो काली मिर्च चबाने से जी मचलना और चक्कर आना बंद हो जाता है। मुनक्का: छोटे हो या बड़े, मुनक्का तो सभी को पसंद आते हैं। जिन्हें भी चक्कर आने की शिकायत है उन्हें 15 ग्राम मुनक्का देसी घी में भुनकर उस पर सेंधा नमक लगा के सोते समय खाने से फायदा मिलेगा। आंवला या धनिया: आंवला ठंडियों में बॉडी के लिए वैसे तो बेस्ट ही माना जाता है, पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं चक्कर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो ये उसमें भी काफी फायदेमंद है। सबसे पहले सूखे आंवला को पीस लें, 10 ग्राम आंवला चूर्ण या फिर धनिया पाउडर एक ग्लास में डालकर रात को सोने से पहले रख दें और फिर सुबह उठने पर अच्छी तरह से छानकर पी लीजिएगा। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा की जगह कुछ ज्यादा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।